तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीसी ज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा एक टीपी लिंक के वाईफाई की, जो कि मैं नेहरू प्लेस से लाया हूं और मैं लाया हूं इसे 950 रुपीस का ऑनलाइन। ये मेरे ख्याल से 999 रुपीस का है। तो यहां पर ये लिखा भी है इसमें वर्ल्ड नंबर वन वाईफाई, यानी कि जो उसकी कंपनी है टीपी लिंक, वो राउटर के मामले में काफ़ी अच्छी कंपनी है। ज़्यादातर लोग टीपी लिंक का वाईफाई ही खरीदते हैं। यहाँ पर इस पर लिखा भी है 300 Mbps तक की स्पीड ही सपोर्ट करता है। इसमें कई सारे वेरिएंट आते हैं जिसमें 750 Mbps तक भी सपोर्ट करता है। तो जो 350 ये 300 Mbps स्पीड है, ये कोई ऐसा नहीं है कि 300 Mbps लगाने के बाद इसको 300 Mbps वाली स्पीड ही आएगी। पहली चीज़ तो आपके नेट के कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितनी स्पीड का नेट ले रखा है। उसके बाद अगर आप इसे फ़ोन से हवा में कनेक्ट करोगे वाईफाई से, तो उतनी स्पीड तो हवा में आती नहीं है। आप इसे अगर पीसी में चलाओगे लैन केबल के थ्रू या इंटरनेट केबल के थ्रू, तो आपकी थोड़ी बहुत स्पीड अच्छी आ सकती है। उसके बाद ये इसका एडेप्टर है यहाँ पर, इसमें 3 पिन का है वैसे तो, लेकिन इसमें काम जो है 2 पिन ही करेगी। उसके बाद ये यहाँ पर है क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, जो कि मेरे किसी काम के नहीं है। और यहाँ पर है ईथरनेट केबल, इसकी मदद से आप इसे लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों ये वाईफाई का एक अलग से ऐप आता है प्ले स्टोर पे, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि आपके वाईफाई से कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर इसके 3 पोर्ट हैं, जिसके एक पोर्ट के अंदर आपका अडेप्टर लगेगा, सॉरी 4 पोर्ट है, एक पोर्ट के अंदर अडेप्टर लगेगा और बाकी एक में लगेगी नेट केबल, और 2 में आप अपने पीसी को कनेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपके यहाँ सीसीटीवी लगे हैं तो उसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर इसका एक क्यूआर कोड है, जिसको स्कैन करके आप अपने फ़ोन में ऐप डाल सकते हो, और बाकी रीसेट का इसमें प्रोसीजर लिखा है, और इसे आप अपनी दीवार पर भी टांग सकते हो। और यहाँ पर इसके 2 एंटीना है, एंटीनाओं से सिर्फ रेंज बढ़ती है, स्पीड नहीं बढ़ती। स्पीड के लिए आपको वाईफाई ही स्पीड वाला खरीदना पड़ेगा, एंटीनाओं से केवल रेंज जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं 2 एंटीने वाला लाया हूँ, क्योंकि मेरे को अपने घर के आसपास ही रेंज चाहिए, बस ज़्यादा दूर की रेंज मेरे को नहीं चाहिए। उसके बाद ये यहाँ पर 4 चीज़ आपके सामने मौजूद है, जो जो वाईफाई के अंदर निकली है। तो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।